हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ हैवी वर्क वाले ब्लाउज की कटिंग शेयर करने वाली हूँ। तो ये हम पहले सबसे अपना मेन फैब्रिक ले लेते हैं। तो ये मेरा मेन फैब्रिक है, इस पे ये दोनों ही पार्ट हैं। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और ये बैक वाला पार्ट है, और ये साइड में इधर स्लीव्स का डिज़ाइन दे रखा है। तो हम इसकी अब कटिंग करेंगे। तो हम मेन फैब्रिक को अलग कर देते हैं और जो हमारा इनर का कपड़ा है इसे ले लेते हैं। तो हम मैं इसको सबसे दो पार्ट में इसको बिछा लूँगी। दो तह में मैंने इस कपड़े को बिछा लिया है। मेरी तरफ ये ऑन फोल्ड पार्ट है। तो हम आपको जो मेज़रमेंट दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, इसी के अकॉर्डिंग मुझे इसे कट करना है। तो लेंथ हमारी 14 इंच तैयार है। तो 15 इंच में यहाँ पर लेंथ ले रही हूँ और यहाँ पर 6 इंच में तीरा ले रही हूँ, और यहाँ से 6.5 इंच में यहाँ पर आर्म होल ले रही हूँ। और जो हमारी चेस्ट है वो 36 इंच है ब्लाउज़ की, तो उसका 1/4 हिस्सा हमने किया है। और कमर का भी मैं 9 इंच पर मार्क कर रही हूँ। तो यहाँ से मैं स्केल की हेल्प से इसको सीधा कर लेती हूँ कपड़े को, और इन दोनों निशानों को आपस में मिला देते हैं। और 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन हमने यहाँ पर मार्क कर दिया है, और आर्म होल की गोलाई भी हमने इसकी मार्क कर दी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा बैक वाला पार्ट कट हो गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने बैक वाले पार्ट को कट कर लिया है। अब मैं इसको फ्रंट वाले पार्ट पे, यहाँ पर ब्लाउज़ के यहाँ पर फ्रंट वाले पार्ट को कट करेंगे। इसको सीधा ही रखते हुए हमने इसको कट कर रहे हैं। एक बराबर हमें इसे कट करना है, और यहाँ से 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, और लेंथ में भी हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा फ्रंट और बैक वाला पार्ट ब्लाउज़ के कट हो गए हैं इनर के पार्ट पर। तो अब हम इसे मेन फैब्रिक पर कट करेंगे। तो मैं ये मेन फैब्रिक का कपड़ा ले रही हूँ, और इसको अच्छे से हम एम्ब्रॉयडरी के एक बराबर मिलाते हुए नेक की लाइन को हमें एक दूसरे से अच्छे से मिला लेना है। पहले इसका मिड पार्ट कर लेना है एम्ब्रॉयडरी का, और इसको अच्छे से ओपन कर लेना है कपड़े को, ताकि इसमें कोई भी सिलवट हमारी ना रहे, कोई भी क्रिस्प इसके अंदर ना रहे। तो हम इसको बीच सेंटर में अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बैक वाले पार्ट की, ब्लाउज़ के बैक वाले पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। हमें यहाँ पर इसे अच्छे से मिला लेना है दोनों ही फैब्रिक को, और यहाँ पर मैं इसे हाफ मार्क कर रही हूँ। एक बराबर हमें इसे कट कर लेना है, और इसके बाद मैं इसे कट कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ब्लाउज़ का फ्रंट बैक वाला पार्ट कट हो गया है। तो हम इसे अलग रख देते हैं, और अभी हम अपने ब्लाउज़ का फ्रंट वाले पार्ट को कट करेंगे। तो इसे भी हम अच्छे से मिला लेते हैं दोनों ही पार्ट को। जो हमारी नेक की एम्ब्रॉयडरी है, इसे हमें बीच में मिड सेंटर करते हुए मिला लेना है। तो यहाँ पर मैं पहले नेक की लेंथ देख रही हूँ। तो नेक की लेंथ 8 इंच यहाँ पर आ रही है, तो मुझे 7.5 इंच पे नेक तैयार करना है। तो मैं इसका मार्क कर रही हूँ, और इसकी जो विड्थ है वो भी हमारी ज़्यादा है, तो 1/2 इंच मैं वहाँ से एक्स्ट्रा छोड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे ये फ्रंट हुक वाला ही बनाना है। तो वहाँ से हम इसको कट करके अलग कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अब इसके ब्लाउज़ के बैक वाले पार्ट, फ्रंट वाले पार्ट को कट कर रही हूँ। यहाँ से मुझे इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कट करना है। मेन फैब्रिक पर हम इसे थोड़ा एक्स्ट्रा कट करते हैं, ताकि जब हम इसकी स्टिचिंग करें तो अच्छे से हमारी ये इसकी स्टिचिंग हो जाए। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट ब्लाउज़ का कट हो गया है। यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसे भी मैं कट करके अलग कर देती हूँ, ताकि ये हमारा एक बराबर हो जाए। नेक की विड्थ हमारी इतनी ही, 3.5 इंच पर मुझे रखनी है नीचे की तरफ से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं बेल्ट का निशान लगा रही हूँ। 4.5 इंच पे मैं बेल्ट का निशान लगा रही हूँ यहाँ पर, और इधर से 3.5 इंच का मैं बेल्ट का निशान लगा रही हूँ। तो इन दोनों निशानों को हम स्केल की हेल्प से मिला देते हैं। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी, थोड़ा सा यहाँ पर अंदर से गहराई में देते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारी ब्लाउज़ की बेल्ट कट हो गई है। अब हम इसके निशान लगाएंगे। यहाँ से 3.5 इंच की हम मेन डॉट का निशान लगा रहे हैं, और लेंथ यहाँ पर 2 इंच में रख रही हूँ।
तो ये मैंने नेक का निशान लगाया है, इसके बीच में हमने ये वाली डार्ट का निशान लगाना है, और इधर से भी मैं इन सभी निशानों लगा लूँगी डार्ट के। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे फ्रंट वाले पार्ट में डार्ट के सारे निशान लग गए हैं। अब यहाँ से मैं फ्रंट वाले पार्ट की गोलाई का निशान लगा रही हूँ। इसकी कटिंग हम जब स्टिचिंग करेंगे तब करेंगे। तो ये हमारी जो एम्ब्रॉयड्री है स्लीव्स की, तो इतनी लेंथ हमें अपनी एम्ब्रॉयड्री स्लीव्स की लेंथ हमें इतनी ज़्यादा नहीं करनी है। तो मैं इसको कट कर लेती हूँ, और 4.5 इंच पे मुझे स्लीव्स को तैयार करना है। तो मैं आपको इसे अब मेज़र करके दिखा रही हूँ इसका मिड पार्ट करते हुए। तो एम्ब्रॉयड्री को मैंने एक बराबर मिला लिया है, और साइडों में भी हमारी इसकी चौड़ाई कम पड़ रही है। तो मैं इसका एक बार मेज़र करके देख रही हूँ। इसकी लेंथ जो 7 इंच है, और हमें 4.5 इंच पर इसको तैयार करना है। तो मैंने साइडों में कपड़ा अटैच कर लिया है, और उस जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके अलग कर लिया है। तो मैंने स्लीव्स की कटिंग के लिए कपड़े को तैयार कर लिया है। एम्ब्रॉयडरी को बीच बराबर करते हुए दोनों साइड में मैंने 5-5 इंच का कपड़ा अटैच किया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको अलग कर देती हूँ मेन फैब्रिक को, और अब यहाँ पर मैं इनर वाले पार्ट पे स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ। कपड़े को मैंने 4 तह में बिछा लिया है। मैं यहाँ पर अपनी बाजू की लेंथ ले रही हूँ। 4.5 इंच पर हमें स्लीव्स की लेंथ तैयार करनी है, तो मैं यहाँ पर 5.5 इंच का मार्क कर रही हूँ लेंथ में। यहाँ पर हमें 5.5 इंच का मार्क किया है, और यहाँ पर इसकी चौड़ाई 10 इंच पर मैं ले रही हूँ। यहाँ पर मैं मार्क कर ले रही हूँ। यहाँ पर इन दोनों निशानों को मिला देते हैं, और ओपन हिस्से की तरफ से हमें 3 इंच डाउन करना है। अब इन दोनों निशानों को भी मैं मिला देती हूँ, और यहाँ से मैं अपने ब्लाउज़ की आर्म होल की लेंथ ले रही हूँ 8.5 इंच पे, और 2 इंच का हमने एक्स्ट्रा मार्क किया है। और यहाँ से स्लीव्स की 6.5 इंच पे मैं मोरी ले रही हूँ, और यहाँ पर 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्क किया है। सारे निशान हमारे लग गए हैं, अब इन निशानों को आपस में मिला देते हैं। स्लीव्स की फुल कटिंग डिटेल वाली वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से इसकी कटिंग की वीडियो भी देख सकते हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसे मेन फैब्रिक पर कट कर लेती हूँ। यहाँ पर इसे अच्छे से मिलाते हुए मिड सेंटर हमने एम्ब्रॉयडरी का कर लिया है। एक बराबर कपड़ा रखते हुए अब हम इस स्लीव्स को कट कर रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे ब्लाउज़ की स्लीव्स कट हो गई हैं। अब मैं इसे आपको ओपन करके दिखा रही हूँ, और यहाँ पर मैं फ्रंट वाले पार्ट की गोलाई का निशान लगा लेती हूँ। इसकी कटिंग भी हम जब स्टिचिंग करेंगे तो हम तभी इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स भी कट हो गई हैं, अब कंप्लीट हमारे ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।